पर थे वो भाई साहब यहाँ पर आए और दोनों मरे हुए, फीमेल जैसे बात उठा के लिए आई होगी। जो दो बच्चे उसमें थे दोनों मरे हुए, जो आठ नौ बच्चे उसमें थे आठ नौ के आठ नौ मरे हुए। मैं आपको फट रहा था कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये बार बार बेचारे क्यों मरे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप फार्मर होंगे ना तो आपके अपने जहन में आएगा कि आप ही की गलती थी जिस वजह से ये सारे मसले आ रहे हैं। तो उसके लिए मेरी गोल्डन मिश्री में कभी ऐसा नहीं होता कि 5-6% मोर्टेलिटी ना हो, 3-4 हो, 2-3 हो, होती है बारह वाले में तो यार जब पालो 0% तो पड़ता है। हम बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो देख रहे हो माशाल्लाह से ये 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 उड़ता हुआ कहाँ गया। अरे बहुत खतरनाक उड़ते हैं ये। एक दफ़ा मैंने इसको यहाँ पे रखा, फुली कोई अच्छा बंदा कल जीते, मेरी ख्वाहिश है यार 2-3 बंदे हैं जो जीते। पर मैंने अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज काम कुछ और थे और वीडियो हम किसी और चीज़ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या इशू थे, क्या मसले हैं यार। और ये चीज़ें वाकई में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई हैं भाई, बहुत हो गया है। और जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन इंतहा का हो गया है। दुआ करें ये चीज़ें सेट हो जाएं, वरना तो मैं पता नहीं क्या करूँगा इनके साथ। अच्छा भाई सिचुएशन ये है, कल मैंने आपको दिखाए थे, मैंने कहा भी था माशाल्लाह लिख दो यार, किसी ने माशाल्लाह भी नहीं लिखा। खैर क्या कह सकते हैं, मुझे तो लगता है भाई पर्सनली नज़र भी खाती है हमारी चीज़ों को। तो अब से बोलेंगे जो भी चीज़ शेयर करेंगे माशाल्लाह लिखेंगे तो लिख तो लगाएंगे, वरना हम अपलोड ही नहीं करेंगे। माशाल्लाह कमेंट करना फ़र्ज़ हो जाएगा आज से। अच्छा चीज़ सारी ये है कि भाई कल आपके सामने दो बच्चे यहाँ रखे थे, दो बच्चे यहाँ रखे थे, बाकी बच्चे पीछे थे, ठीक है। आज मैं आया हूँ, मैंने चेक करने के चक्कर में इसको पीछे कर दिया। ये जो दो बच्चे यहाँ पर थे वो भाई साहब यहाँ पर आए और दोनों मरे हुए, फीमेल जैसे बात उठा के लिए आई होगी। जो दो बच्चे उसमें थे दोनों मरे हुए, जो आठ नौ बच्चे उसमें थे आठ नौ के आठ नौ मरे हुए। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, देख रहे हैं ये सिचुएशन है, सारे बच्चे मर गए। और क्या कह सकते हैं, बहरहाल यार बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल दुख रहा है और बस हो गई है मेरी। इतना दिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इतनी मेहनत से वो बेचारी पल रही हैं, क्या कर रही हैं। और हम तो भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पल जाएंगे, अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही। 2-3 दफ़ा पकड़ के पिलाया तो वहाँ पर इशू आ गए, यहाँ पर इसने बड़ी तरीके से रखे हुए थे पर वो इस तरह मर गए। अब एक चीज़ सोचिए, अगर इसने काम किया तो सही है, नहीं किया तो पता नहीं फिर हम क्या करेंगे। और बस हो गई है, इसे कहते हैं ना वाकई में बस हो गई है, सर दर्द से जिसे कहते हैं पीक पर फट रहा है। एक होता है हल्का फुल्का डिप्रेशन, एक होता है इंतहा का कि यार पैसों का अल्लाह का शुक्र है भाई नहीं है कोई फ़र्क पड़ता, पैसे तो एक सेकंड की चीज़ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान ना कि आपके सामने आठ आठ नौ नौ नन्नी नन्नी जाने मर जाएँ, वो इंतहा हो जाती है। और जितना टाइम मैंने इस पर लगाया है ना उतना मैंने कभी शायद पोल्ट्री पर भी ना लगाया हो, लगाया होगा शुरू में, लेकिन इनको मैंने इतनी चीज़ें करी तो ये नहीं सेट हो रही। अब एक सॉल्यूशन निकाला है, अगर इसने काम किया तो ठीक, वरना फिर हम इनके लिए मड हाउस बनाएंगे, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुझे मड हाउस में ये टेंशन थी यार, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उसमें किस तरीके से वो सर्वाइव करेगा। अब ये प्लान है कि जितनी भी मिट्टी है ना सारी मिट्टी बाहर निकाल देंगे, सारी की सारी मिट्टी बाहर निकाल दूंगा और सिर्फ थोड़ी सी लेयर छोड़ दूंगा कि ये ज़मीन में गड्ढे ही ना करें। ये लोग गड्ढे करते हैं, इनकी प्योरिटी वो होती नहीं है कि टोकरी के अंदर बच्चे दें। ये बात मैंने पहले भी सोची थी कि भाई इस तरह करेंगे तो जितने भी टोकरी के बच्चे थे ना वो सारे मारे गए, और ज़मीन पे जो बच्चे थे खैर वो भी मारे गए, वो कौन सा बच्चे। तो अब ये चीज़ लास्ट सोचिए, अगर इसने काम किया तो सही है, वरना हम शायद जो ना रैबिट फार्मिंग ही ख़त्म कर दें। मैं इतना जो ना गलत तरीके से नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इतने सारे चूज़े हमारे रैबिट्स मरे। तो फिलहाल यही काम करते हैं कि इस लेयर को मैं मिट्टी को निकालता हूँ यहाँ से, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या सिचुएशन है, क्या प्लान है, क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा जी भाई सारी जगह सीमेंट दी है और अच्छे से जगह की सफाई वगैरह कर दी, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब किया क्या है। और अब उम्मीद है कि यार अब इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा और अब चीज़ें सही रहेंगी। मैं आपको बताऊँ, सारी मिट्टी निकाल दी यहाँ की, अभी जो मिट्टी है ना यहाँ पे वो समझ लें मुश्किल से आधे इंच की जगह होगी बस, यानी कि आपको दिखाऊँ खोद के तो ये फ्रेश आ गया, टोटल आधे इंच की भी मिट्टी मुश्किल से होगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि इनके हिसाब के लिए हम इनको ज़रा छोड़ दें जगह को और ये तरीके से रह सकें। दो बॉक्स रख दिए, इनके इस बच्चे देते हैं तो इसमें दे दें और बीच में भी एक जगह छोड़ दी, देना चाहें तो दे दें। उसके अलावा अगर यहाँ पर देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर फीमेल्स यहाँ पर दे देती हैं, तो फिर उसके लिए भी एक छोटी सी पार्टीशन बना दी, बल्कि मैं इसको और छोटा कर दूं, बल्कि नहीं ऐसे भी बहुत है कि बच्चे भी बाहर नहीं आएंगे और काम चल जाएगा। तो इस तरह की जगह बना दी है, नाखून से गंदे लग रहे हैं, मिट्टी भरी हुई नाखूनों में। तो सारी जगह जिसे कहते हैं अच्छे से साफ सूफ करके तकरीबन 3 बोरे निकाले हैं, उसके अलावा जो मिट्टी थी उसको भी छान दिया है सारा कि अब जो है ना ये किसी तरीके से सही रहें। और इनकेस अगर अब बच्चे देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्लच पूरा हो गया है, अब शायद ही कोई फीमेल दे, पर अगर दे देती है तो उसके लिए यही तरीका कार है कि फुल जिसे कहते हैं ना सफाई मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं,
तो अब कोई मसला उम्मीद करते हैं भाई नहीं होगा, वरना यार पता ही क्या सीन है, थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था मैं उस टाइम पे, कुछ ज़्यादा ही दिनों जिसे कहते हैं सर गुस्से से और परे फट रहा था कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, ये बार बार बेचारे क्यों मरे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप फार्मर होंगे ना तो आपके अपने जहन में आएगा कि आप ही की गलती थी जिस वजह से ये सारे मसले आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अब एक दफ़ा दोबारा कोशिश करिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए मैं सिर्फ फार्मिंग की वीडियोज़ नहीं बना रहा, मैंने आपको शुरू से बताया था कि मेरा काम खाली ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा ये मेरा बर्ड्स है इनके ये नाम है, जो लोग कर रहे हैं वो मुनासिब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो बिज़नेस के अंदर है, ठीक है ना, मुझे बिज़नेस करना, कारोबार करना, हलाल रिस्क कमाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं एक टाइम से करता आ रहा हूँ। शायद मैं आपको बताऊँ तो 2011-12 से मैं कोशिशें कर रहा हूँ, उस टाइम पर मैं लव बर्ड्स पालता था और उस टाइम पर मेरी एज बहुत कम थी, तो हाँ समझने बहुत कम थी कि 6-7 का बच्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतना छोटा बंदा था मैं, बच्चा था उस टाइम पे। अब खैर जब से मैं कर रहा हूँ और जब से चीज़ें टूटती हैं बनती हैं, बात सारी होती है कि आपने चीज़ों को छोड़ना नहीं होता, आपने जहन में एक चीज़ रखनी होती है कि अगर कोई चीज़ आपकी खोई है ना वो आपको इंशाल्लाह वहीं से मिलेगी, अदरवाइज़ अगर आप उसको छोड़ के कहीं और भाग जाओगे तो भाई इस तरह सारी ज़िंदगी भागते रहोगे और मसले चलते रहेंगे। तो एटलीस्ट हर फील्ड को कुछ टाइम दो और उसके बाद अकलमंदी से स्विच कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कुछ टाइम तो दो, और मेरे जिस एज के जो लोग हैं, मेरी एज के लोग ही ज़्यादातर यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो यंग हैं जिनके अभी बीवी बच्चे नहीं हैं, तो भाई उनके लिए ये गोल्डन टाइम है, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ शुरू कर दो और फ्री में करो, मेहनत करो, करते रहो, इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल निकल जाएंगे। मैंने आपको दिखाया कि हम यहाँ पर 4थी-5वीं दफ़ा फेल हो चुके हैं और हम फिर कोशिश कर रहे हैं, हम फिर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे और ये जर्नी आप कंप्लीट रिकॉर्डेड देखेंगे, मैंने इंशाल्लाह कह दिया आपको, और आप ज़रूर देखेंगे जो भी गलतियाँ थी वो सब सेट हो जाएंगी। तो चीज़ें रहेंगी ख़राब, आपने बस चीज़ों को सिमट के रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना। तो बस एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा आपको ज़रा बता दें कि इट्स ओके, अगर आप भी ट्राई कर रहे हो कोई मतलब नहीं है। और एक बस बात को करके एंड करते हैं, बल्कि एंड क्या करते हैं, मैं आपको ज़रा दूसरी जगह की अपडेट देता हूँ। बात सारी ये है कि भाई अगर आप कुछ ट्राई करोगे तो नुकसान के चांसेस हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ ट्राई नहीं लेना, आप नुकसान नहीं चाहते तो कुछ भी ट्राई ना लो, आप कुछ काम ही ना करो, आप काम नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ करोगे, कुछ कोशिश करोगे किसी चीज़ से पैसे कमाने की या कुछ भी करने की, तो चीज़ें गलत होंगी, ये अपने माइंड में रख लो। तो एक ही ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो नुकसान ना हो तो आप काम ना करो, तो चीज़ें करो, एक्सपेरिमेंट करो, इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सक्सेसफुल रहोगे। तो चलें ज़रा हम चलते हैं अपने दूसरे बर्ड्स के पास और आपको उनकी भी ज़रा अपडेट दिखाता हूँ। अच्छा जी भाई, अब जो काम है ना वो यहाँ का काम है, और करना क्या है मैं आपको ज़रा बताऊँ, मैंने यहाँ से कुछ बर्ड सेल करने थे उनको पकड़ना है, उसके साथ साथ हाँ बर्ड सेल करने, फीड मैंने अभी डाल दी है यहाँ पे, फीड मैं आपको दिखाऊँ तो सब पड़ी हुई है। और यार बहुत जल्दी जिसे कहते हैं ना इस जगह को मैंने करना है साफ़ और क्लीनिंग करनी है इसकी जितना जल्दी हो सके। उसका रीज़न सारा ये है कि मैंने आपको जैसे बताया है पहले भी कि भाई हमने इस जगह को रेस्ट देना है, वो जगह का रेस्ट शदीद वाला मांग रही है, इसको हमने रेस्ट नहीं दिया ना तो ये हमें रेस्ट इन पीस अल्लाह ना करे वैसे कराए। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, उसका रीज़न बताया क्या है, बट यार थोड़ा सा डाउन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा नहीं है सारा, लेकिन हल्का फुल्का था ना बर्ड्स में इतना मज़ेदार रीज़न सीन नहीं है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको जो ना डिले करते हुए इसको काम चलाते हुए चलाएंगे, जब तक ज़रा मैं बाकी के काम निपटा लूँ और उसके बाद हम फ्लॉक को बढ़ा देंगे। नया फ्लॉक आ तो रहा है 3 तारीख को, पर मेरी कोशिश है कि मैं उसको अर्ली सेल कर दूँ बजाय उसको कि मैं इतना लंबा उसको सस्टेन करूँ। उसमें मसला सारा ये आएगा कि इस टाइम के ऊपर बट जो है ना फिर वो सेल करना मसला हो जाएगा, सेल करना तो खैर मसला नहीं होगा, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सेल करना मसला नहीं होगा, लेकिन जगह को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो काम को स्लो डाउन करना भी काम का हिस्सा होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलें जल्दी जल्दी से इनको पकड़ते हैं और उसके बाद सेल वाला काम भी जरा पंगा शुरू करते हैं। फीड देखूँ ज़रा किन किन के पास है, फीड इनके पास है, इनके पास भी है, इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, और साइज़ दिखाऊँ आपको बर्ड्स का हमारे, ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन साइज़ है भाई बर्ड्स का हमारे, ऐसी बात नहीं है। ये अंडे वाली मुर्गी आपको दिखाता हूँ, ये रही, इंशाल्लाह ताला कल ये अपनी मंजिल के लिए गामजन हो जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। तो चलें मैं ज़रा दवाई शवाई डालता हूँ, बर्ड्स को पकड़ता हूँ और फिर इस वीडियो करते हैं एंड। अच्छा जी, ऐसा है कि माल जो हमने सेल किया था ना वो किया था ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं 630 kg के करीब, और क्या कहते हैं रेट जो मिला भाई, रेट मिला 1000, और रेट मुनासिब है मेरे हिसाब से,
अगर आप लोग भी सेल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट है यार, कोई इतना अच्छा मुनासिब रेट है आजकल के टाइम पे। लेकिन बर्ड जो है ना यार, बर्ड समझ लें कि इस टाइम पे थोड़ा बहुत तंग करता है, सीधी सी बात है। तो अगर जैसे कि अगर आप लोग सेल भी कर रहे हो तो समझ लो कि जो सप्लाई जा रही है वो 700-800 रुपये भी जा रही है, लेकिन हम लोग दुकान वालों को देते हैं तो हमें फेवर मिलता है, हम थोड़ा सा महंगा बेचते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ और मिलती है कि हम इसको अपने क्या कहते हैं दुकान वालों के नखरे भी उठाने पड़ते हैं, उधार में जाता है पहली बात। उनको अपने मतलब का पीस चाहिए होता है, अपने मतलब का कलर चाहिए होता है, अपने मतलब का बॉडी वेट चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको फेवर में देते हैं और इन रिटर्न हम रेट थोड़ा सा मुनासिब ले लेते हैं। तो अगर आप लोग सेल कर रहे हो तो मेरा मशवरा डायरेक्ट किसी दुकान वाले से डील करने की कोशिश करो, कम से कम मेंटल पीस में हो गए, इन केस अगर वो दुकान वाला ढंग का है, वरना दुकान वाला लीचड़ हुआ ना फिर तो आप ऐसे ख्वार हो गए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो गए। अच्छा जी भाई, ये भर गया है और इसको ज़रा जल्दी से उठाते हैं। और इसके ऊपर जो दरी रखी हुई है ना, वो इसीलिए रखी हुई है कि वहाँ जाके जो है ना इसको उठाना है, यानी कि जो बाइक पे रखे तो बाइक गंदी ना हो। और मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, ये भाई कर देगा, हमारा थोड़ा सा काम है। तो चले हम कभी कभी बाइक की हेल्प भी ले लेते हैं। मैं दिखाता हूँ उसको नीचे करके। ये अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा जी, वो नीचे खड़ी है बाइक और ये बाइक के ऊपर जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से इसको शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आपको बर्ड्स की अपडेट देंगे और फिर करेंगे वीडियो को एंड, ठीक है। अच्छा जी भाई, फारिग हो गए वहाँ से और सबसे पहले अपने ब्रॉयलर पे हाजिरी लगाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ब्रॉयलर के ऊपर मैंने तख्ता ढका हुआ है क्योंकि कल हवा बहुत तेज़ थी, तो इसलिए आज मैंने पूरा दिन तख्ता ढका ही रहने दिया। पर अभी फीड वगैरह डालनी है तो तख्ता हटा देते हैं और उसके बाद इनको फीड वगैरह डालते हैं। तो पहले तख्ता हटाते हैं फिर देखते हैं कुछ। साइड पर हो सही है। अच्छा जी, फीड भी डाल देते हैं ज़रा जल्दी जल्दी से इनको और उसके बाद देखते हैं पानी की क्या सिचुएशन है। एक बर्तन में डाल दी और ये दूसरे बर्तन में। हाँ जी, दोनों बर्तनों में फीड आ गई है और दोनों बर्तनों की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना रह गई। पानी देखें ज़रा, पानी कितना है। पानी तो चलो है, पानी का मसला नहीं है, पानी है। और इसके कमर पे हल्के से निशान दिख रहे हैं मुझे, चलो वो बीट के ही है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि नोच के काट दिया हो किसी ने। ब्रॉयलर वैसे सीधे से बर्ड्स होते हैं, इतने ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता यार, भूखे हो रहे हैं और इतने ज़्यादा भूखे हो रहे हैं कि आपके सामने कितना उछल उछल कर आ रहे हैं माशाल्लाह से। ब्रॉयलर हमारे परफेक्ट पलते हैं यार। मैं सच्ची वाला बताऊँ ना आपको, जितना मशहूर है ब्रॉयलर के बारे में कि ब्रॉयलर सख्त ब्रीड है, ज़्यादा मरती है और नरम नाजुक ब्रीड है, मरती बहुत है यार, मुझे समझ लें 90% वो बात गलत लगती है। अगर आप ब्रॉयलर को तरीके से पालो तो ब्रॉयलर गोल्डन मिश्री से ज़्यादा मजबूत ब्रीड है। मेरी गोल्डन मिश्री में कभी ऐसा नहीं होता कि 5-6% मोर्टेलिटी ना हो, 3-4 हो, 2-3 हो, होती है बारह। ब्रॉयलर में तो यार जब पालो 0% तो पड़ता है। बस तरीकाकार ये है कि आपने थोड़ा टेम्परेचर का ख्याल रख लेना है, थोड़ा सा इनकी मेडिसिन का ख्याल रख लेना है, थोड़ा सा इनकी आपने वैक्सीनेशन का ख्याल रख लेना। तो वो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करा लो, थोड़ी सी उसको फीस पे कर दो, वो आपको बता देगा। और अगर चाहो तो हमारा भी कंसल्टेशन का कोर्स ले सकते हो, उसमें भी हम गाइड कर देंगे, मसला नहीं है। मेरा मशवरा बस ये होता है किसी पढ़े लिखे से आप लिंक में हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, बराए मेहरबानी मेरी इस बात को साजिक समझ के किसी भी डॉक्टर या पढ़े लिखे को आप मत पैसे भर देगा, उस बंदे को पैसे देगा जिसका एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो फार्मिंग में। पता लगे कि आप तो अपनी तरफ से किसी अच्छे बंदे को पैसे दे रहे हो कि यार DVM है, 5 साल की डिग्री है और वेटनरी साइंसेस के अंदर MPhil है, उसके अलावा या फिर पोल्ट्री न्यूट्रिशन के अंदर MPhil है, या उसके अलावा PhD है पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंदर। देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, मुनासिब हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और थियोरेटिकली या फिर उसने सिर्फ स्टडी करी हुई थ्योरी की बेसिस के ऊपर, तो समझ लें वो बहुत ख़तरनाक बात है। वो आप पे वो चीज़ें इम्प्लीकेशन उसकी करने की कोशिश करेगा जो US के अंदर है, क्योंकि मटेरियल तो नहीं अवेलेबल ना यहाँ पे, मटेरियल तो ज़्यादातर US वगैरह का ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप करें बस ख्याल करेगा कि किसी पढ़े लिखे आदमी से लिंक करें जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो ताकि आपके पैसे इंशाल्लाह ताला बच जाएं। तो अभी चलते हैं अपन अपने बटेरों के पास, उनकी सिचुएशन दिखाता हूँ और फिर मुर्गियों के पास चल के वीडियो कर देंगे एंड। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं बटेरों के पास फीड है भी या नहीं है। नहीं है इनके पास भी फीड, इनको भी फीड डाल ही देते हैं। मैं लेकर आया था, मैंने कहा पता लगे इनके पास ना हो तो मसला रहेगा। बटेरों को फीड डाल दिया है, माशाल्लाह से हमारे 2 बटेर बाहर हैं, एक यह है पीछे की तरफ है और 3 बाहर हैं। ये चल क्या रहा है भाई, यहाँ की सफाई का कबाड़ा हुआ है और ये बटेर हमारे बाहर घूम रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बटेर उड़ता कैसा है।
तेरी खैर, ये तो आ गया आराम से हाथ में। आओ हाथ में, आओ हाथ में, आओ आ जाओ। ये आ गया दूसरा भी हाथ में हमारे। मैं ज़रा इनको अंदर डालूँ। ये देख रहे हो भाई, बटेर का साइज़ हमारे फुल बड़े हो गए, बेहतरीन तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा साइज़ का आपको आइडिया करके दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दो मिनट रुक जाओ, वीडियो बना लें फिर चले जाना। अबे क्या काम है तुम्हें, कोई काम धंधा है क्या? अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका मुँह। सही है, मैं दो मिनट इसको पकड़ के रखूँगा, इतना गर्म हो जाएगा कि मेरा हाथ भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं इसका मुँह खुल जाएगा। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ आपको भाई, कल जितना काम किया था उतना ही काम हुआ है, कोई सफाई नहीं कर पाए हम। आज हमारे रैबिट्स के चक्कर में इतना परेशान रहे ना, जबकि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हमारा चूज़ा आने वाला है, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या करें भाई, रैबिट्स को इस तरह छोड़ना मुनासिब नहीं है इस जगह पे। मुझे तो कम से कम 2 से 3 दिन का काम और लगेगा, तो दुआ यार कि 2 दिन के अंदर इसको हम कंप्लीट करके जल्दी से उस काम पे आ सकें। तो देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना बड़ा साइज़ में हो गए। तो भाई जिसको भी चाहिए बहुत आसानी से ले सकता है, कल इंशाल्लाह ताला कल या परसों, मैं कोशिश करूँगा कल ही। आज का प्लान तो आज डिले हो गया, कल ही हम इसका विनर अनाउंस करते हैं और देखते हैं कौन बंदा 10 बटेर लेके जाएगा, और अगेन पर्चे उठा लेंगे, वो मुनासिब रहेगा और गिव अवे के अंदर। और उसके अलावा एक चीज़ क्या कहते हैं कि गिव अवे जो होगा 3 बंदों का होगा, उसमें से जिसका पहले कॉन्टैक्ट हुआ उसको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करके कल या परसों की वीडियो के अंदर अपडेटेड रहेगा, जैसी आती है इंशाल्लाह ताला उसको गिव अवे का विनर अनाउंस करके आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। अगेन बता दूँ, अगर नए हो पहली दफ़ा आए हो तो गिव अवे आने के लिए ये करना है, ये है आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा फेसबुक पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। हाँ सही है, उन तीनों के स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप के ऊपर भेजने हैं, डिस्क्रिप्शन पे तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप पे भेज के डन लिखना है बस। आपका नाम विड्रॉ में ऐड कर लेंगे गिव अवे के अंदर, और फिर जैसे भी नाम आता है आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो देख रहे हो माशाल्लाह से ये उड़ता हुआ कहाँ गया, अरे बहुत खतरनाक उड़ते हैं ये। एक दफ़ा मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये यहाँ से उड़ा सीधा खिड़की से बाहर। वो तो सही वक्त था कि बेचारा घबरा गया, वो वापसी अंदर आ गया, वरना ये जाता। तो ज़रा इसको जल्दी से पकड़ें और इसको पिंजरे में डाल के चलते हैं अंडे वाली मुर्गियों के पास। यार यहाँ पे ये आलू हुआ है कि रुका भी नहीं जा रहा मुझसे, ये देख रहे हो माशाल्लाह से। क्या कहते हो भाई, इसका हमने बनानी है एक मज़ेदार सी चीज़। आप लोग बताओ क्या चीज़ बनानी है, और उस चीज़ का वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड करें ना करें मुझे आप बताएगा। चले अभी चलते हैं अपने उसके पास, क्या नाम है उसका, अंडे वाली मुर्गियों के पास, और फिर करते हैं वीडियो को एंड। इनके पास भी देख लेते हैं भाई क्या सिचुएशन है। फीड है तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास फीड डन है। पानी दिखाओ, पानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा भी नहीं है। चलो पानी डालते हैं इनको, उसके बाद वीडियो करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी भाई, पानी शानी डाल दिया है और बट भी प्यासे हो रहे हैं यार। आज पता है क्या हुआ है, आज सुबह जो मैं गया था क्या रैबिट के पास से, मैंने सोचा था 10 से 15 मिनट में फारिग हो जाऊँगा बस, क्योंकि काम बहुत सारे थे आज, बट उल्टा हुआ बिल्कुल। और अगेन कितना सैड रहा हमारा उसके साथ, कितना अजीब और गरीब रिश्ता रहा। तो चले भाई, एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया देना था आज के अपडेट का, होपफुली कोई अच्छा बंदा कल जीते। मेरी ख्वाहिश है 2-3 बंदे हैं जो जीते, पर मैंने पक्का प्लान किया हुआ है सिर्फ उन लोगों को देंगे जो वाकई में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 100% जिसे कहते हैं ना दयानतदारी के साथ कल गिव अवे करते हैं और देखते हैं किसका नाम आता है। तो दुआ करें भाई आप में से आए, अच्छा सा मौका है खूबसूरत सा, अगर आपको चाहिए हो बटेर तो। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कितना पानी पियोगे भाई, सुबह से प्यासी हो गया। नहीं अभी तो मैंने सुबह तो मैंने पानी डाल के गया था, सुबह से कैसे प्यासी हो सकती हो, शाम की हो सकती हो। तो चलो पानी शानी पियो, हम लोग भी चलते हैं। और अंडे दिखाओ कितने आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 अंडे आए हैं माशाल्लाह से। और चले वीडियो एंड कर देते हैं। और अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग के हमसे कोर्स खरीदना चाहता है तो भाई बहुत ही मुनासिब कीमत है, 2500 रुपीज़ के अंदर हम पोल्ट्री फार्मिंग का कंप्लीट हमारा एक कोर्स है ऑनलाइन, जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। और उसका सबसे परफेक्ट आपको एग्जांपल मिलता होगा हमारी फार्मिंग के अंदर, के फार्मिंग में मुझे कोई भी किसी किस्म के इशूज़ नहीं रहते, साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी उसमें इंक्लूड है। तो बहुत ही मुनासिब कीमत, तकरीबन समझ लें 2500 रुपये के अंदर, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपये थी, डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपये, 2500 रुपये के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पोल्ट्री की सीख सकते हैं और हमारी प्रोफेशनल गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सो जाओ।